सो हेलो एवरीवन, यार आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली यार बेस्ट स्मार्टफोन फॉर स्टूडेंट्स के बारे में। तो यार हमारा कॉलेज एडमिशन सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। नई नई शॉपिंग कर रहे हो यार, तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। और यार स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, और ये हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ट्वेल्थ के बाद। हालांकि कई लोगों के पास पहले से होता है, बट ट्वेल्थ के बाद नया स्मार्टफोन लेना एक सपना होता है। तो यार मैंने सोचा यार इस पर एक वीडियो बनाते हैं थोड़ी टेक्निकल सी, जिसमें तुम्हें सब समझा देंगे कि कौन सा फ़ोन लेना है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है, मतलब यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। और यार मेरा कज़न था, उसको फ़ोन लेना था, तो वो भी मेरे से कह रहा था भैया कॉलेज जा रहा हूँ, नया फ़ोन लेना है, एक सजेस्ट कर दो। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, बजट कितना है तेरा? तो उसने कहा वही भैया 10-15 हज़ार। तो यार 10-15 हज़ार में मैंने उसको दिला दिया ये वाला फ़ोन। और तुम्हें दिखाऊंगा यार कौन सा फ़ोन है और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है एक स्मार्टफोन लेने से पहले, अगर तुम जा रहे हो कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है वो है यार तुम्हारा बजट, ठीक है। तो बजट तुम्हें रखना है 10 हज़ार से 15 हज़ार के बीच में, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा रखना है यार तो तुम आईफोन लो 30 हज़ार से ऊपर का बजट रख के, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो या बहुत पैसा है, वरना 10-15 हज़ार एक अच्छा अमाउंट है यार एक फ़ोन पे खर्च करने के लिए। सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल जाती हैं, और ज़्यादातर लोग यार इसी बजट में लेते हैं, ठीक है। तो यार पहली चीज़ तो हो गई यार प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यार 5G, ठीक है। कई लोग यार इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 5G का यार बहुत ज़्यादा फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यार 5G की जो स्पीड्स आती है ना आजकल, वो बहुत अलग लेवल पे हैं। और यार एक साल के बाद तक, यार क्योंकि तुम फोन लोगे 2-3 साल तक तो चलाओगे यार मिनिमम उसे, तो एक साल के बाद 5G स्पीड्स बहुत अच्छी आने वाली हैं। तो यार एक 5G फोन लेना, ठीक है। थोड़ा महंगा आता है, बट एक 5G फोन लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यार तुम्हारा ब्रांड, ठीक है। 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि यार किसी सस्ते ब्रांड का ले लो ज़्यादा फीचर्स के लिए, एक अच्छे ब्रांड का लेना, ठीक है। ताकि तुम्हें यार कॉलेज के आसपास कभी कुछ खराब हो जाए तो अच्छी सर्विस देखने को मिले। मैंने एक बहुत अच्छे ब्रांड का लिया है, आगे चल के बताऊंगा कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है यार डिस्प्ले। तो यार तुम कॉलेज जा रहे हो, मूवीज भी देखोगे, पढ़ाई भी करोगे, वीडियो लेक्चर्स भी देखोगे, PDF भी रीड करोगे, तो यार एक बड़ी डिस्प्ले वाला लेना। बहुत बड़ा मत लेना, मतलब कि बहुत बड़ा हो जाए, बट बहुत छोटा भी मत लेना, एक डिसेंट डिस्प्ले वाला लेना, ठीक है। डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले कितनी है वो भी तुम्हें आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट है यार स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज मतलब रैम नहीं यार, एक होती है हमारी रैम, एक होती है रोम, यानी स्टोरेज। क्योंकि अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो वीडियोज होंगी यार तुम्हारी, फोटोज होंगी, यादें होंगी, तो यार फोन में मतलब स्टोरेज होनी चाहिए। हालांकि तुम गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो, बट एक अच्छी स्टोरेज यानी मिनिमम 128 GB यार तुम कंसिडर करना। नेक्स्ट है यार कैमरा। तो डिसेंट कैमरे वाला फोन लेना, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग डिसेंट हो, क्योंकि कल को यार तुम्हारा मन कर सकता है कंटेंट क्रिएटर या कुछ रील वील बनाने का, तो एक डिसेंट वीडियो कैमरा होना चाहिए उसका, और यार सेल्फी यानी फ्रंट कैमरा भी एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यार तुम्हारा बैटरी। तो कई लोग यार इसे ध्यान नहीं देते, ठीक है। कॉलेज में यार तुम बार बार पावर बैंक नहीं ले जा सकते, हालांकि पावर बैंक तुम ले सकते हो यार 1000 रुपये के, वो भी आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में पावर बैंक और अपना इस फोन का लिंक भी दूंगा, ठीक है। तो यार पावर बैंक तुम ले सकते हो, बट एक अच्छे बैटरी वाला फोन ले लेना ताकि तुम्हारा पूरा दिन चले। तो 5000 mAh वाली बैटरी मिनिमम लेना। नेक्स्ट है यार तुम्हारा प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यार तुम्हें एंड्रॉइड ही मिलेगा इस बजट में, और यार जो प्रोसेसर है यार वो ठीक ठाक लेना, ठीक है। वो कोई भी लेना, ठीक ठाक लेना कि तुम्हारा हल्का फुल्का गेमिंग भी हो जाए और बाकी चीज़ें भी हो जाए। तो यार अब मैंने कौन सा फ़ोन लिया है, फटाफट इसे अनबॉक्स करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार मैंने अपने भाई को बोला था अनबॉक्स मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं करूँगा इसे। तो ये तुम देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी स्टाइल से हमने अनबॉक्सिंग कर दी है। अमेजोन से मंगाया था यार, तुम्हें HDFC के डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो तुम भी ऑनलाइन ले लेना, वरना ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो ये वो फ़ोन है यार, ये मतलब एकदम दिखाते हैं ना वो टेक्निकल गुरुजी वाले, ऐसे मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट अपना टेक्निकल चैनल नहीं है यार, अपना है टेक फॉर स्टूडेंट, ठीक है। टेक फॉर स्टूडेंट ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये फोन है, ठीक है। तो मैं फोकस चेंज करके दिखाता हूँ, M14 5G इसका नाम है, ठीक है। तो फटाफट यार सैमसंग की तरफ से आता है, इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, और यार इसकी अनबॉक्सिंग तुम्हें शॉर्ट एक दिखा देता हूँ, ठीक है। आई होप यार तुम्हें ऑडियो वगैरह क्लियर आ रही हो। तो फटाफट यार इसे अनबॉक्स करता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ ये फोन कैसा है। तो 1, 2, 3, go। सो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है, मैंने अपना फोन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके तुम्हें दिखाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M15 5G मॉडल रहने वाला है हमारा, ठीक है। तो सैमसंग ब्रांड का है, 5G है, बाकी स्पेक्स तुम यार इसके पीछे देख लो इसकी क्या क्या है। तो यार ये वैसे इसमें प्राइस लिखा है 19,000, लेकिन तुम्हें 13-14 हज़ार का मिल जाता है। बाकी यार इसको खोलते हैं, देखो यार 6000 mAh की बैटरी है, और फास्ट चार्जिंग भी है इसमें। बाकी यार कैमराज अच्छे हैं इसके, और फुल HD+ डिस्प्ले, ठीक है। अभी सैमसंग में तुम्हें बताता हूँ यार, एमोलेड डिस्प्ले वाले मत लेना, पता है। मैंने एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन लिया था, अराउंड 11,000 का था, और यार उसकी डिस्प्ले टूटी, तो यार वो लोग कह रहे थे 6000 रुपये की डिस्प्ले लगेगी। तो यार कभी बजट फोन लो ना तो इतना डिस्प्ले वाला मत लो, और यार प्रोटेक्शन यार जाते ही लगा लेना, ठीक है।
मतलब जाते ही प्रोटेक्शन लगा लेना, वरना यार कॉलेज में फोन टूटने का बहुत डर रहता है। ठीक है, तो यार फटाफट यार इसको खोलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं यार इसकी अनबॉक्सिंग। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक्टिवा की चाबी है, तो इसको यार फटाफट खोल के मैं तुम्हें दिखाता हूँ इससे। ठीक है, आई होप यार ये बहुत ज्यादा टेक्निकल गुरुजी टाइप वीडियो ना बन रही हो, बट कोई नहीं, एक सेकंड यार। ओके, तो यार तुम देख सकते हो यार फाइनली हमने सील तोड़ दी है, अब हम इसको खोल के दिखाते हैं तुम्हें। तो 1 2 3 गो। नाइस यार, तो यार बहुत टाइम से फोन अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, तो फाइनली यार फोन अनबॉक्सिंग करने का मौका मिला है। तो यार तुम ये देख सकते हो, ये वो फोन है जो मेरे पास आया है दोस्त का, ठीक है, मतलब कजन का। तो ये तुम देख सकते हो ब्लैक कलर में ऑर्डर किया, ठीक है, काफी सही कलर्स होते हैं। तो यार द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग इसको निकालना, तो इसको फटाफट निकालते हैं। ठीक है, सो आई गेस ऐसे निकालना है इसको। वेट यार, ओके। तो यार तुम देख सकते हो, ठीक है, तो एकदम पन्नी वन्नी में आया है फोन। नाइस, तो यार तुम देख सकते हो आजकल जो फोन्स आ रहे हैं ना उनमें चार्जर नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं यार, चार्जर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फोन तुम्हें थोड़ा सस्ते में ही मिल रहा होगा, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो फोन में फीचर ज्यादा देते हैं, बाकी सिम इजेक्टर टूल है। तो यार चार्जर तुम कोई भी ले सकते हो, ठीक है, चार्जर का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फास्ट चार्जर ले लेना अगर तुम्हारा फोन सपोर्ट करता है, जैसे मेरा वाला तो करता है। बाकी ये इसका बॉक्स है, इसे साइड में रख देते हैं। अब यार फटाफट फोन को बूट करके ना मैं तुम्हें थोड़ा बहुत फोन दिखा देता हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टेक्निकल चैनल है। बाकी लेना कौन सा है, कैसे लेना है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कौन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी इसका मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फटाफट यार इसे बूट करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। सो यार फाइनली तुम देख सकते हो यार अपना सैमसंग का सेट हमने यार इसको फटाफट बूट कर दिया है। और यार तुम्हें थोड़ा बहुत फोन दिखा देता हूँ, ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मोटाई के मामले में अच्छा खासा मोटा है, और यहाँ पे स्लॉट है इसका, तो इसमें मेमोरी कार्ड और 2 SIM भी लग जाते हैं। बाकी ट्रिपल कैमरा इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलता है, बाकी यार यहाँ पे वॉल्यूम बटन तुम्हें देखने को मिलेंगे, यही सब है यार। और बाकी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और यार इसमें यार केबल मिलती है, ठीक है, मैं केबल इसके अंदर है, वो मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी सिंगल स्पीकर है, और यार 3.5 mm ऑडियो जैक जो कि नेसेसरी है, आजकल फोन में नहीं आता, इसमें है। बाकी यार एक बार तुम्हें कैमरा वगैरह दिखा देता हूँ फोन का, ठीक है। तो फटाफट यार ये गूगल असिस्टेंट को हम ऑफ करेंगे, और तुम देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ एप्स जो है यार इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यार फटाफट इसका तुम्हें कैमरा दिखा देता हूँ मैं हल्का सा, तो ये तुम देख सकते हो कैमरा इसका, फटाफट एक दो फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये तुम देख सकते हो यार फोटो क्वालिटी यार डिसेंट है, ठीक है, डिसेंट है। मुझे आईफोन यूज करने की आदत है, तो मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है, बट हाँ 10-15 हज़ार के हिसाब से डिसेंट है। एक मैं वीडियो शूट करके तुम्हें दिखाता हूँ इससे कैसी आ रही है, ठीक है, वीडियो बना देते हैं यार एक। तो यार ये तुम देख सकते हो, ठीक है, सेल्फी कैमरा कैसा है, तो सेल्फी कैमरा भी यार डिसेंट तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी यार इस पे ना तुम जो भी फोन लोगे उस पे यार टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, और यार कवर एक अच्छी क्वालिटी का ले लेना, क्योंकि हॉस्टल में यार फोन वोन गिरते रहते हैं। बाकी यार फोन रिव्यू इसका हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, फोन काफी अच्छा सैमसंग का है, डिसेंट है, ठीक है। तो यार इसको तुम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो यार अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। बाकी यार अगर तुम्हें ऐसी टेक वीडियोस चाहिए, ठीक है, एकदम डिटेल वाली जिसमें छोटी छोटी चीजें बताऊं, जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, और या तो यार ये आईपैड है, ठीक है, इसका भी अगर तुम्हें रिव्यू बनाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए यार एक ऐसी चीज होती है जो बहुत लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो भी तुम्हें बना के हम दे देंगे। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't stack to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.